अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नई कमान। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने विंडो 10 में कैसे एमएस ऑफिस को डाउनलोड करके एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गाइस, अक्सर आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि आप तो डाउनलोड कर लेते हो एमएस ऑफिस को, लेकिन इशू ये होता है कि आप एक्टिवेट नहीं कर पाते और आपको तरीका नहीं आता। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। तो चलते हैं फर्दर वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले गूगल क्रोम पर चले जाना है। तो गाइस, यहाँ से आपने टाइप करना है हाईटेक विंडो ISO डाउनलोडर। तो ये आपको पहला लिंक नजर आ रहा होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है फाइल को। ये नीचे देख सकते हैं, ये मैंने डाउनलोड कर ली है और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपने यहां से ऑफिस पर क्लिक करना है और आपने यहां पर कोई भी आपने ऑफिस डाउनलोड कर लेना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं यहां से अपडेट वर्जन डाउनलोड करता हूं 2019। तो यहां से मैं यहां पर प्रोफेशनल ऑफिस 2019 प्रोफेशनल प्लस डाउनलोड कर लेता हूं। और यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और नीचे से आपने डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, ये देख सकते हैं 4 GB की फाइल आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। और ये आपको जो है मेन पेज से डाउनलोड करके दे रहा है, ठीक है। ये जब तक डाउनलोड होती है, यहाँ से मैं आपने क्या करना है, वृंदार को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास वृंदार है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो आपने यहाँ से वृंदार को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड होने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यहाँ से यस कर देना है। यस करने के बाद आपने जो है अपनी जो है विंडार के सेटअप को इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, ये देख सकते हैं विंडार यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ओके गाइस, ये देख सकते हैं यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है और अब यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे। ये फोल्डर ओपन करने के बाद आपको ये फाइल
शो हो रही होगी, ये MS Office ISO फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है। आपने यहाँ से इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने सेटअप पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से यस कर देना इसको। यहाँ से आपका MS Office इंस्टॉल हो रहा है 2019। तो ये देख सकते हैं हमारी MS Office इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो गाइस, अब सवाल पैदा होता है कि आपने MS Office डाउनलोड करके इंस्टॉल तो कर लिया है, लेकिन आपको एक्टिवेट करने नहीं आ रहा और आप नहीं कर पा रहे, आपको तरीका नहीं आता। तो आपने मुझे फॉलो करना है, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ से आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि KM Spyco विंडो 10 एक्टिवेटर आपने यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, getkmspyco.com, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऊपर टॉप पे डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये तीन लिंक नज़र आ रहे होंगे, 1, 2 और 3। इस पर आपने कोई भी लिंक पर आपने क्लिक करके यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। एंड देन कंटिन्यू। तो ये डाउनलोड हो चुका है, इसको हम एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड आपने सिंपली आपने जिस लिंक से डाउनलोड किया था, आपने यहाँ पर आपको पासवर्ड नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पर इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। तो ये हमारे पास इसका सेटअप आ गया है। तो इसके बाद आपने एक सेटिंग को ऑफ करना है। यहाँ पर आपने सिंपल एक विंडो सिक्योरिटी पर चले जाना है। यहाँ से आपने
सब ऑप्शन ऑफ कर देने हैं। ये जितने भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं आपने यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। तो अब यहाँ से हम इस सेटअप को इंस्टॉल करते हैं। अब ये हमारा सेटअप इंस्टॉल हो चुका है और आपने सिंपली सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और यहाँ से ओपन कर देना है। एंड देन यहाँ पर सिंपली आपने इस बटन को प्रेस कर देना है। प्रोग्राम कंप्लीट। तो ये आपकी एमएस ऑफिस अब मुकम्मल तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। मैं आपको यहां से बता भी देता हूं, ये देख सकते हैं एक्सेल। तो गाइस ये आपका जो है फुली तरीके से एमएस ऑफिस एक्टिवेट हो चुका है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि आने वाली हर बेनिफिशियल वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।